हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। तो आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर, क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं बहुत, बट पढ़ाई को यूटिलाइज़ कैसे करें, किस फील्ड में उसको लेकर जाएं, उससे रिलेटेड आज मैं न्यूज़ लेकर आई हूँ। मतलब कि मैं लेकर आई हूँ गवर्नमेंट जॉब्स। अब हम जुलाई के सेकेंड वीक में चल रहे हैं, तो जुलाई के सेकेंड वीक से मैं पूरे वीक में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आई हैं, जो कि टेंथ के रिलेटेड हो, अगर आप लोगों ने टेंथ किया हो, ट्वेल्थ किया हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री हो, सभी फील्ड से रिलेटेड सरकारी नौकरी कहाँ किस स्टेट में, ऑल इंडिया लेवल पे एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, और किसी भी स्टेट के पीसीएस की, यूपीएससी की, किसी भी सी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, तो हम आज से ये प्लेटफॉर्म पे ये न्यूज़ भी शेयर आप लोगों के लिए करेंगे। लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ फॉर ऑल, सभी के लिए यहाँ सभी का स्वागत है। तो आज से हम ये नया शुरू कर रहे हैं पीपीटी। तो इसके बाद अब सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ मैं रेगुलर ये वन वीक में आपके लिए रोजगार समाचार लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग जो भी मेरे चैनल पे पढ़ाई करवाई जा रही है उसको अपने सही फील्ड में इम्प्लाई कर पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी नौकरियां आप लोग का इंतज़ार कर रही हैं। लास्ट डेट ध्यान से देखिएगा, एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पर फिल करिएगा और अपने पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली नोटिफिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है हमारे IBPS से रिलेटेड, बैंकिंग जॉब से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन रीजनल रूरल बैंक, IBPS RRB। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1-3 और ऑफिसर असिस्टेंट की मल्टीपर्पज पोस्ट है, ग्रुप और ए और बी की है। एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल पर होगा। एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएट है, और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि एग्ज़ाम की स्टेज क्या होगी। स्केल वन के जो ऑफिसर हैं उनके लिए प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू तीनों होगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्रीलिमिनरी और मेंस होगा, और ऑफिस स्केल 2 और 3 के लिए सिंगल लेवल एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू दोनों होगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो है ऑनलाइन, और इसमें आप देख सकते हो कि प्रीलिमिनरी जो होगा, प्री एग्ज़ाम होगा 45 मिनट्स का होगा, मेन होगा 2 घंटे का होगा, और सिंगल लेवल एग्ज़ाम जो 2 घंटे का होगा। अगर आपको पूरी और जानकारी देखनी है इसके लिए, तो www.ibps.in पे आप जाके प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। आगे इसी के बारे में आगे हम बात करते हैं, तो इसकी डेट्स की बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन डेट 30 जून को आ चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से, और ऑनलाइन फिल करने की लास्ट डेट है 21 जुलाई। तो ये डेट आप याद रखिएगा, और 21 जुलाई से पहले एग्ज़ाम फिल का फॉर्म फिल कर दीजिएगा। प्री एग्ज़ाम का कॉल लेटर 12 अगस्त से पहले आ जाएगा, 12 अगस्त को। प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग होगी 24 अगस्त से 29 अगस्त तक। कॉल लेटर जो प्री एग्ज़ाम का है वो अगस्त में आएगा, डेट फिक्स नहीं है। और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग जो स्टेजेस हैं ऑफिसर्स के, सबके एग्ज़ाम की डेट यहाँ नोटिफिकेशन दी हुई है। तो यहाँ प्रॉपर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको भरना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पूरा प्रॉपर देख सकते हैं, हर एक डेट स्पेसिफिक आपको यहाँ मैंने बता दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी आपकी जॉब है। तो नेक्स्ट है हमारी बिहार पुलिस भर्ती 2020। तो इसमें होमगार्ड और फ्रेशर दोनों के लिए जॉब्स निकली हैं, जिसमें शैक्षिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2, मतलब कि 12th पास होना चाहिए, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, और आयु है वो CSBC अपनी जो भी नोटिफिकेशन निकालेगा उसके अकॉर्डिंग। चयन प्रक्रिया जो होगी वो लिखित परीक्षा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगी, और नौकरी का स्थान बिहार होगा। इसकी डेट्स की बात करते हैं, तो इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो 24 तारीख से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, इससे पहले, और आवेदन ऑनलाइन जमा करने की जो तिथि है वो 3/8/2020 दे दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी जॉब निकली है वो SSC में निकली है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। तो इसमें आप देख सकते हैं फॉर जूनियर ट्रांसलेशन निकली है, और फॉर सीनियर ट्रांसलेशन हिंदी और यहाँ पे निकली हुई है ट्रांसलेटर की जॉब। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो एज लिमिट है वो SSC के एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। फीस है 100 रुपये, 100 ओनली। एलिजिबिलिटी है, आप www.ssc.online.nic.in पे
कर संपर्क यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट डेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स टू रिमेम्बर है, वो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग डेट है जो फॉर्म भरने की है वो 29 जून थी, और लास्ट डेट है, ये डेट आप याद रखोगे, 25/7, यहाँ पे 25 तारीख लास्ट डेट है, 25 जुलाई। और पेमेंट करने की लास्ट डेट है 27, और चलान जो जनरेट होने की लास्ट डेट है 29 जुलाई। इसके बाद पेमेंट ड्यूरिंग द बैंक आर है 31 जुलाई, अगर हम पेमेंट चलान करते हैं तो बैंक के थ्रू। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है 6/10, तो ये डेट भी आप स्पेशली मेंशन रखेंगे। और सेकंड पेपर जो होगा उसकी है 31/1, मतलब 31 जनवरी 2021। नेक्स्ट जॉब की हम बात करें तो यहाँ आएगी TMC, टाटा मेमोरियल सेंटर की जॉब। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है क्वालिफिकेशन, टोटल नंबर ऑफ जॉब और पोस्ट का नाम। तो असिस्टेंट ऑफिसर, मेडिकल फिजिस्ट और साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, ये सब आप जॉब देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पूरा आपने किस फील्ड में क्या किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नर्सेस की भी इसमें जॉब निकली है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है 300 रुपये, SSC एप्लीकेशन फ़ीस, ये नॉर्मल के लिए, SC ST फीमेल, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा। स्टार्टिंग डेट है 6/7/2020 और लास्ट डेट अप्लाई करने की 24/7। और हार्ड कॉपी सबमिट करनी है यहाँ पे, तो उसकी लास्ट डेट है 7/8, मतलब कि 7 अगस्त। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब निकली है NCERT में जॉब, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए। तो नौकरी विवरण, मतलब कि जॉब जो डिटेल्स हैं वो हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन। यहाँ आप अपनी यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं, तो सबकी अलग अलग सैलरी दी हुई है। प्रोफेसर की अलग है, एसोसिएट प्रोफेसर की अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग सैलरी है। तो सैलरी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है और भी चीज़ें। तो इसकी जो एज लिमिट है वो NCERT के नियमों के अनुसार होगी। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। नौकरी का स्थान दिल्ली है। आवेदन शुल्क जो है, जो अनरिजर्व पुलिस हैं, OBC हैं, EWS पुलिस पुरुष हैं, सॉरी मेंस के लिए 1000 रुपीज़ है, और SC ST PWD महिला के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आवेदन करने के लिए आप लोग www.ncrt.net.in पे 3 अगस्त से पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट इसकी याद रखिएगा 3 अगस्त है, तो इससे पहले आप लोग अप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। PGCIL रिक्रूटमेंट यहाँ निकली हुई है, तो ये यहाँ पे जॉब की डिटेल है। इन इन फील्ड में आप लोगों को जॉब देख मिल सकती है, जो कि ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल में हो, ग्रेजुएट सिविल में हो, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में हो, तो ये पोस्ट के अकॉर्डिंग पूरी जॉब्स निकली हुई हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि इसमें क्या ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है। बैचलर डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है। ग्रेजुएट सिविल के लिए बैचलर डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। तो ऐसे ही सबके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि इसकी और चीज़ें लिमिट क्या है। तो एज लिमिट इसकी PGCIL के रूल के अकॉर्डिंग होगी। प्रोसेस होगा इंटरव्यू के थ्रू, और अप्लाई करने की मेनली लास्ट डेट है यहाँ पर 10 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो 10 तारीख से पहले यहाँ अप्लाई कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं IDPP रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर इंडियन तिब्बत की जो रिक्रूटमेंट है पुलिस की, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन IDPP रूल के हिसाब से होगा। एज लिमिट भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। सिलेक्शन मोड है रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू। एप्लीकेशन फीस है जनरल और OBC मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, SC ST वुमेन कैंडिडेट के लिए नो फीस। और जो जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 अगस्त, 13 जुलाई से शुरू हो रहे हैं फॉर्म। और IDPP
idbpolice.nic.in पे आप लोग वेबसाइट पे अप्लाई यहाँ जाके कर सकते हैं। तो मैंने साथ के साथ वेबसाइट का भी एड्रेस दिया है कि आप डायरेक्ट वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके रिक्रूटमेंट के लिए ACTREC रिक्रूटमेंट, मेडिकल रिक्रूटमेंट है ये, और यहाँ रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। जॉब जो लोकेशन है वो मुंबई महाराष्ट्र की है। अप्लाई करने के लिए आप 7-8 से पहले अप्लाई करेंगे और जो आपका हार्ड कॉपी होगी वो 14 अगस्त से पहले आप सबमिट कर देंगे। मतलब कि ऑनलाइन सबमिशन 7 अगस्त है और हार्ड कॉपी आप 14 अगस्त से पहले सबमिट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपकी रिक्रूटमेंट आएगी SBI SO की रिक्रूटमेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो जो तैयारी कर रहे हैं बैंक्स की, ज़रूर इस फॉर्म को भरें। तो आप देख सकते हैं यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दो फील्ड के लिए यहाँ ग्रेजुएशन दी हुई है। एज लिमिट SBI के रूल के हिसाब से है। सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू होगा। ऑल इंडिया में जॉब लगेगी और एप्लीकेशन जो फीस है वो 750 रुपये है जनरल OBC और EWS के लिए। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। आप अप्लाई करने के लिए www.sbi.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है आपकी 13/7, मतलब कि कल ही इसकी लास्ट डेट है। तो जिन लोगों को पता नहीं है रिक्रूटमेंट, आज इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी निकली है जॉब। CRPF में निकली है पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और SI की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BSc 12th पास मेट्रिकुलेशन विथ साइंस एंड अदर, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा पोस्ट चूज़ करते हैं। नेक्स्ट एज लिमिट आपको CRPF के एडवर्टाइजमेंट में के अकॉर्डिंग मिलेगी। और सिलेक्शन मोड में रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिजिकल मेजरमेंट, PET, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन के 31 अगस्त। तो आप एग्ज़ाम डेट निकलने से पहले फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर SSB रिक्रूटमेंट। तो इसमें मिनिमम मैट्रिक्स एंड मैक्सिमम 12th क्लास होना चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट JNK SSB के रूल के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन मोड रिटर्न टेस्ट MCQ बेस्ड होगा और मेरिट लिस्ट होगी। एप्लीकेशन फीस है 350 रुपये और नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रोस, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जॉब लोकेशन होगी जम्मू कश्मीर और आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं SSBJK.in पर। लास्ट डेट है 25/8 सबमिट करने की, 25 अगस्त। इससे पहले जो भी जम्मू कश्मीर के हैं निवासी वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट एंड अदर की निकली हुई है। एज लिमिट है 56 एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन। सिलेक्शन मोड है ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है और लास्ट डेट है 19 अगस्त। तो आप ये पूरा देख लेंगे और हार्ड कॉपी जैसे यहाँ सबमिट करनी होगी तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट से पहले हार्ड कॉपी सबमिट ज़रूर कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट। इसमें ग्राम डाक सेवक निकला है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है, 3,262। पे स्केल भी अच्छा है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो दी हुई है 10th पास दी हुई है। तो आप लोग बहुत जो अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट है एज़ पर पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग है। सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS मेल और ट्रांसजेंडर मेल जो है वो 100 रुपीज़ है। बाकी फीमेल के लिए और ट्रांसजेंडर फीमेल, ST ST कैंडिडेट और PWD के कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। अप्लाई करने के लिए indiapost.gov.in पे और appost.in पे, यहाँ पर दो एड्रेस आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 21 तारीख है तो 21 तारीख से पहले पहले अप्लाई ज़रूर कर दें। नेक्स्ट देखेंगे CGPSC में
निकली है, फॉरेस्ट रेंजर की, असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट निकली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में, और अगर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए आपकी। एज लिमिट 21 से 30 साल है। सिलेक्शन जो प्रोसेस है, ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 तारीख, मतलब कि 2 दिन और बचे हैं। और यहाँ वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे बीएसएफ में निकली है, 114 पोस्ट निकली है ग्रुप बी और सी की, जिसमें 10th प्लस और डिप्लोमा मांगा हुआ है। एज लिमिट है बीएसएफ के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। रिटर्न टेस्ट, पीईटी, पीएसटी और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में आप डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के आप देख सकते हैं, बाकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27/12, मतलब कि 27 दिसंबर। बहुत अभी डेट है इसमें, बट एक बार आप रिक्रूटमेंट ज़रूर देख लें ऑनलाइन इसकी, कि कब से फॉर्म किस हिसाब से निकल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, और एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके रूल के अकॉर्डिंग होगा, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। लास्ट डेट आपकी 15 जुलाई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अभी 2 दिन बचे हैं, तो आप हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे जॉब। इसके अलावा जो भी जॉब्स रह गई हैं वो नेक्स्ट वीक ज़रूर आएंगी, जो इस हफ्ते में निकलेंगी गवर्नमेंट जॉब्स, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी को हो, बैंक्स की हो, किसी भी फील्ड की हो, सारी जॉब्स इस वीक आपकी और निकल जाएंगी। तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।